वो आंदा ना अपना नूरी ना तू तो चिक चिक टक चिक सिंह तुसी गंडासे दी बजाय चाइना दा गंडासा दिखा रहे हो। मैं तेरे को एक सवाल पूछना चाहना। एक नहीं दो सवाल पूछना, जरा एक सवाल दा मजा नहीं आंदा। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मारता। इस तरह लग रहा मैं कि हर घर दे विच एक मौला जट फिल्म बन के निकलेगी। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमाद शेख। आज हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। यहां हम लोगों से पूछेंगे उनकी राय फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के मुतल्लिक। आइए चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। तफसर जी की हाल है तड़ा? जी मैं पूरा लाहौरिया है, अंदरून मजंग दा मैं है, मजंगिया ते मैं ते पंजाबी बोला। बड़ा अच्छी गल है कि पंजाबी नु प्रमोट किया जा रहा है, न्यू टीवी और नई बात कर रहे हैं। ते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सवाब दा काम, यकीन करो। ते ये कि तफसर मैं तेरे को सवाल पूछना चाहना। मेरा सवाल यह है जे कि अभी ये पिछले दिन है कि थोड़े के दिन हो गए ने एक फिल्म आई जे द लेजेंड ऑफ मौला जट, यह फिल्म आई भी नहीं तो मैंने इस फिल्म के बारे में दसना है। पाकिस्तान की साड़ी जी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री हैगी जे तो नाल होंगे फिल्म इंडस्ट्री हैगी जे, इस फिल्म की एक साड़ी भलाई वास्ते एक साड़ी सर्वाइवल वास्ते ये फिल्म ने की किरदार अदा किया होगा? सब तो पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने 1950 तो लैके 80 तक बहुत बड़ी फिल्म बनी, जैसे मौला जट 76 दे मुझे याद है, वो गाने असी बजाए। मास्टर नैसा मेरे नाना जी का म्यूजिक सी, भी नशे दी बोतली ना नहीं आते चुकनी, इको डीक लाल है जाएगी मुकनी, हिट गाने। और उस यूनुस मलिक साहब भी बड़े यंग डायरेक्टर आए सन, उन्होंने एक्शन फिल्म बड़िया देखते सन, इंग्लिश में दसते सन। उन्होंने जो एक्सपोज किया ना जीप के उत्ते मौला आ रहा है, तो देखो बड़ा मुश्किल से एक कैमरे के नाल उधरों साइड तो आना उधरों आना फिर उधरों कैमरा चुके रखे। हूँ जेडे मौला जट बनाते रहे ने साडे अपने दोस्त ने भाई ने छोटे सारे एक्टर भी जानते हैं सारे प्रोड्यूसर कराची सारे अपने, लेकिन एक फिल्म का जरा तरीका है ना वो फ्रेम है ना जरा पंजाबी अंग ही नज़र आ रहा, उस पंजाबी किस तरह बोलनी है। और इंज लगता है उन्हें डायलॉग उधर खड़ो के बोल रहा भी तू इधर आ, यही तीफे सी कि इधर आओ तुम बोल लो, नहीं डायरेक्शन होंगी है ना स्क्रिप्ट होंगे फिर वो मुताबिक कि बोलना है, स्क्रीन प्ले की चीज़ है, सेंटीमेंट्स की चीज़ ने, हर चीज़ तुम इमिटेशन पा दोगे। वो डायरेक्टर वो राइटर वो गाने वो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं किया, यानी ताफो ब्रदर ने पूरा किया, जिस वो आंदा ना अपना नूरी ना उस मैं चकमोल देख के आया सन 1975 चकमोल लगी सी, वो सुने उस तो चिक चिक टक चिक चिंग वो सारी गिटार मेरी बजी डन 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 डन। साढ़े अंकल बाऊ जी बहुत बड़े कंपोजर, असी मिल के वो बैकग्राउंड किया तो पूरी दुनिया से मौला जट का बैकग्राउंड हिट हो, यकीन करो अगर वो बैकग्राउंड सेम लाते ना पिछे ब्रास से मतलब वैसटर्न अमेरिकन बैंड की जिमें कौआ स्टाइल का बैकग्राउंड होया है। तो उन्होंने चाहिए जरा पाकिस्तान के जरा खास लाहौर है ना सैयद नूर साहब को लान अरदाब सैन को लान और पंजाबी साडे डायरेक्टर ने बड़े बड़े अच्छे उन्होंने सीखन आ के किमें चल के आना एक्टर ने, वरना उत्थे खलो के डायलॉग बोल देंगे तुम गंडासे की बजाय चाइना का गंडासा दिखा रहे हो, उस बंदा थोड़ा मरना वो एवं टाकी लगे वो शेव कर लो भावें। पर मैं कह कुछ सीखना चाहिए, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन उही एक्टर उही डायरेक्शन जो वीडियो बनाने वाले बंदे उन्होंने तुम डायरेक्टर कर दो जिम्मे चीफ एंड ट्रबल है। इस तरह मैं अजीब मतलब मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज बुरा नहीं मनाना मेरे भराओ, कराची से बड़ा परफॉर्म किया सारे एक्टर सारे म्यूजिक वाले दोस्त ने, कम कम हों कम सीखना चाहिए, ओरिजिनैलिटी आनी चाहिए कि शॉट जरा लेना है कैसा होना ईमान पाकिस्तान की मौला जट और जो फिल्म बन गई है ना वो असं यूरोप अमेरिका जाने उत्थे भी जिक्र होता डायलॉग का वो एक शॉट का सब तो ज़्यादा तो बैकग्राउंड म्यूजिक का ज्यादा ताफो ब्रदर ने एंड द इंग्लिश बैकग्राउंड। चलते हैं और लोगों को उन्होंने को पूछना उन्होंने की ज़्यादा ख्याल है इस फिल्म वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है तुम्हारा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक है, तुसी दोनों तुसी कहो जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तेरे को एक सवाल पूछना चाहना। एक नहीं दो सवाल पूछना, जरा एक सवाल का मज़ा नहीं आता। मैं दो पूछ लेना, खैर मैं फिलहाल पहला सवाल पूछना तेरे तो। पहला सवाल मेरा यह है कि उन्हें है कि थोड़े कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जे द लेजेंड ऑफ मौला जट आई जे, तो यह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वास्ते तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वास्ते इन्हें कहो जो किरदार अदा किया है सर्वाइवल वास्ते? ये फिल्म जी है ना जबरदस्त रही है जनाब, तो इस तरह लग रहा मैनू कि हर घर के एक मौला जट फिल्म बन के निकलेगी, क्योंकि यदि
हर किस्म के जो है ना ये रोल ये डायरेक्शन बहुत अच्छी रही है जनाब। ये साढ़े इधर भी बहुत अच्छी तो परले पासे भी बहुत अच्छी रहेगी जनाब, क्योंकि मौला जट जरा ना है ना वो सुल्तान रही मरहूम ने जनाब वाला कमाल ही कर छड़े थे मुस्तफा कुरैशी साहब ने, उन्होंने इस ना ऐसी इज्जत बख्शी है तो फिर उस तो जी पब्लिक ने इज्जत बख्शी है ना वो तुम्हें मैं नहीं दस सकता जनाब। तो इंशाल्लाह ये मौला जट इस तरह लगेगा कि हर घर के जनाब वाला कोई मौला जट निकले जिमें टिकटॉकर निकले ने इस तरह मौला जट भी निकलेंगे सारे। ठीक है, मैं दूसरा सवाल तेरे को लाइव पूछना चाहना सर जी कि नशे से मैंने दसना कि जो 1979 जी फिल्म पहली आई थी मौला जट तो हूँ 2022 आई आई फिल्म मौला जट आई जी। ठीक है, तो डायलॉग वही लेते हैं। ठीक है, पुराने डायलॉग है नवा डायलॉग हल्का फुल्का कोई एक डाल दिए तो डाल देगा। ठीक है ना, डायलॉग वही है तुम्हें लगता है कि ये अंदर भी है कि सारे सीन उही होने ने उही सारी पिक्चर एडिशन सारी उही हैगी जी उदा हुई थी कि नहीं सर नहीं करके हुई तरह मुख्तलिफ करके हुई है। असल च गल है कि जोड़े डायलॉग जो पुराने लिखे ने ना जनाब असल लोगों के दिमाग के राज कर रहे हाले तक जनाब। नवी तहकीक ना जो कोई मौला जट बनेगी ना वो कुछ अपना होर ही कोई टेस्ट निकलना है, लेकिन यह जोड़े डायलॉग वगैरह जो लिखे ने ना ये अमर होए ने जनाब इस वास्ते बहुत ही अच्छा जनाब वाला है जबरदस्त किस्म का जनाब काम है अच्छी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ਰਜਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ 'ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਨਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਲਦਾ ਅਬਦੁਲ ਦਾਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲਦਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਲੈਡਨ ਸਨ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਦਿ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਆ ਇਹਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਬੈਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਕਵਾਤ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਇਹਦੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੀਦ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੋ ਪੁੱਛਾਂ, ਦੋ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਾਈ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਯੂ ਨੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ। ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਗੈਸ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਖਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਂਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਵਾਈਵਲ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਆਈ ਮੀਨ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਟ
जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और बिलाल निशारी ने जिसको कहते हैं ना अखीर की है इसमें, हर किस्म की एक्टिंग, डायरेक्शन, यू नो सिनेमाटोग्राफी, फाइट, एक्शन, एवरीथिंग, यू नो जिसकी भी बात करें आप, तो आई मीन इट्स जस्ट वन ऑफ द ग्रेट मूवी। और मुझे लगता है कि दिस फिल्म विल ब्रिंग ऑल द ऑडियंस बैक इन द सिनेमा। तो ये वाली जो फिल्म है वो सिनेमा में ऑडियंस को लेके आएगी। तो मैं बड़ी खुशी गल करके बहुत शुक्रिया बड़ी जी, चंगी जी बहुत खुशी हुई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन इजाजत दीजिए सानू।